हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सिस्टम के बारे में कुछ देखा हुआ था पिछले वीडियो में, और सिस्टम के बाद अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम भी हम देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम के बारे में। ये जो आपका प्रॉपर्टीज होता है किसी भी सिस्टम के लिए, कितने टाइप्स के प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको और एंड एवरेज एसएससी जेई के एग्जाम्स में देखेंगे तो हर साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो हमारे पास दो टाइप के प्रॉपर्टी जो सिस्टम होते हैं, कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज पे देखा जाए, तो एक आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और एक आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें देखिए करना क्या रहेगा, जो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पहले वो आपको कुछ प्रॉपर्टीज को मेंशन करेगा और उस प्रॉपर्टीज के बाद आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज दिया जाता है इसमें लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टीज़ को आप देखकर ही बता सकते हैं कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आइए फ्रेंड्स इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम की बात करूँ तो हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एक जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसी तरीके से इसका जो सेकंड टाइप होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, ये होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये आप लोग जानते होंगे, आपने नाम जरूर सुना होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। अब यहाँ से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस घुमा के देता है, एक बार हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं उसके बाद मैं जैसे कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करूंगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में सीधा सीधा देखिए मास का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा नहीं रहेगा, इसी पे बात करना है। इंटेंसिव अगर बोलता है तो आप सीधा सीधा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ध्यान रखिएगा ये जो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। और अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये आपका डिपेंडेंट ऑन मास होता है, मतलब ये जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इट इज डिपेंड ऑन मास। अब देखते हैं हम लोग कि ये आपका मास पे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंसी कैसे डिसाइड होगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ मास को आइडेंटिफाई करने का कि कैसे वो मास पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। सबसे पहले मुझे आप एक चीज बताइए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज कंसिडर कर लेता हूँ, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो मान लीजिए कि सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपका कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए क्या क्या चीजें हैं। मान लीजिए इसके अंदर प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, आप सीधा सीधा ऐसे कंसिडर कर लीजिए ज्यादा बेटर है। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सब जो आपकी है प्रॉपर्टीज है, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज दी हुई है इस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो ये बताइए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपका प्रेशर है क्या लगता है आपको इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव। देखिए इसको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, पहला आप एक एक प्रॉपर्टीज को उठा के देखिए कि मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, और मास पे अगर डिपेंड कर रहा है तो वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी एक्सटेंसिव। लेकिन आप इस चीज को कैसे चेक करेंगे, एक तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा और मैं आपको बिल्कुल ये श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस चीज को आगे जाके आप मिस्टेक कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यहाँ पे हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेंसिटी की अगर बात करूं तो इसको देखने से ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि मास पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पे डिपेंडेंसी आ रही है, ठीक है। तो ये हम लोग हमको ऐसा लगता है क्या कि मास पे डिपेंड है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, बट एक्चुअल में क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है देखते हैं इस बारे में। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए
कोई भी अगर आपको प्रॉपर्टी दी हुई है तो सीधा सीधा आप क्या करिए, एक कंटेनर उठाएंगे। तो कंटेनर उठाने का मतलब क्या है कि आप एक कंटेनर को एज्यूम करिए। तो ये हमने कंटेनर एज्यूम कर लिया है। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग बात करेंगे तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस कंटेनर के अंदर आप एक फ्लूड भरिए, या सॉलिड भी भर सकते हैं, फ्लूड में लिक्विड और गैस कुछ भी भर सकते हैं, आप जो भी फ्लूड है उसको भरिए। उसको भरने के बाद उसको आधा करिए, ठीक है। आधा करने का मतलब यह है कि आपने मास को आधा किया है। मास को आधा करने पर इसमें से जो प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? मास पे आधा करने पर अगर प्रॉपर्टी आधा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड कर रहा है, और मास पे डिपेंड कर रहा है तो वो कौन सा बन जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी कौन सी बनेगी आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लो ये है, आपको कौन सा फ्लूड बहुत अच्छा लगता है? वाटर या एयर, जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए वाटर एयर जो भी आप लिए, अब आप क्या करिए, यहाँ पर हमने जो भी फ्लूड था उसको हमने भर दिया इसमें। अब आप क्या करिए, इसको हाफ कर दीजिए। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने हाफ कर दिया। तो जब आपने इसको हाफ किया तो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इसका जो मास है वो मास आधा हो गया है, मतलब m by 2 मास हो गया। अब मास आधा करने पर देखो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आधी होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर के अंदर, तो देखिए ये आपका प्रेशर है। अच्छा, अगर मैं इसको आधा करूंगा तो प्रेशर चेंज होगा कि सेम रहेगा? अगर मान लीजिए आप किसी रूम के अंदर हैं और रूम में एयर भरा हुआ है, तो रूम को अगर पार्टीशन कर दोगे तो क्या प्रेशर चेंज हो जाएगा? अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके घर पे इतने सारे रूम्स हैं, क्या सभी रूम का प्रेशर अलग अलग है? कोई भी कंटेनर में अगर हम लोग हाफ करते हैं तो उसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका प्रेशर एज इट इज है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये आपका बनेगा इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो ये आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनी। आगे बात करते हैं टेम्परेचर का। अगर मान लीजिए इसको जब हम लोग हाफ करेंगे, वाटर या एयर जो भी है, तो अगर एक साइड अगर मान लो कि पूरा कंटेनर में 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भरा हुआ है, तो अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो हाफ करने के बाद भी उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। मतलब इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी आपका सेम है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? इट इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं वॉल्यूम के साथ। जब आप इसको हाफ करेंगे तो वॉल्यूम पे क्या चेंज पड़ेगा? अगर मैं वॉल्यूम को हाफ करता हूं तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम आधा होने का मतलब यह है कि ये आपका बनेगा V by 2 और ये भी आपका बनेगा V by 2। वॉल्यूम आधा हो गया मास के साथ, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? ये आपकी बन गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बना हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं क्या, डेंसिटी को लेके। ये डेंसिटी की बात कर रहा था मैं। अगर मान लीजिए सपोज डेंसिटी की बात करते हैं, तो अगर मैं इसको आधा करूंगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा क्या? अगर आप किसी कंटेनर में वाटर भरे हुए हैं और वाटर को आधा आधा करेंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा? डेंसिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी डेंसिटी भी एज इट इज रहने वाली है। तो यहाँ पर आपका जो डेंसिटी है ये भी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई इंटेंसिव। अब फ्रेंड्स एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसको डेंसिटी को लेके, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? हमारा जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि डेंसिटी तो मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है तो फिर इस हिसाब से एक्सटेंसिव होना था, इंटेंसिव कैसे हो गया? तो इसीलिए मैं फ्रेंड्स बोला कि ये फॉर्मूले वाला मेथड आप यूज मत करिएगा। और ऐसा क्यों हुआ है अभी आपको इसी वीडियो में आपको ये रीजन पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला वाला मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो आपकी डेंसिटी है ये मेथड अप्लाई करिए। सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी प्रॉपर्टीज में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर ये जो आपका डेंसिटी है ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? ये आपकी बन गई इंटेंसिव। आगे बात करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। अगर आप मान लीजिए कोई आपके पास बॉडी है या कोई आपके पास फ्लूड है, उसको हाफ करेंगे तो क्या उसका गाढ़ापन चेंज हो जाएगा? चाहे आपका मिल्क हो गया, हनी हो गया, शहद है जैसे, उसको हाफ करने पर क्या उसका विस्कोसिटी चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहां पर भी अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं तो विस्कोसिटी आपको एज इट इज मिलने वाला है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये भी आपकी हुई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। फ्रेंड्स स्पेसिफिक हीट क्या है कि मैं चैप्टर 3 जो आपका एनर्जी इंटरेक्शन मैंने लिखा हुआ है वहां पर स्पेसिफिक हीट के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला हूं। अभी बस आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी बॉडी या किसी भी फ्लूड के लिए स्पेसिफिक हीट जो प्रॉपर्टी है
वो जब तक आपकी बॉडी चेंज नहीं होगी तब तक वहां पर आपका ये स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं होगा। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आप, मैं सीपी की अगर बात करूं तो ये जो आपका सीपी है और ये जो आपका सीपी यहां पर ये सेम रहने वाला है, तो ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं मास की बात करूं तो मास तो आपको ऑलरेडी आधा हो गया है, तो मास की भी अगर बात किया जाए तो मास आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास पे तो आपका आधा करने पर आपका जो भी चेंजेस है वो दिख ही रहा है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स अगर आप बोलोगे किसी भी प्रॉपर्टीज में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए, तो जो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इसको सीधा सीधा चेक करना है इंडिपेंडेंट ऑफ मास के साथ, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है इसमें हमको चेक करना है डिपेंड ऑन मास के साथ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहता हूं तो यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एक हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, प्रेशर, और बताइए अभी हमने जो देखा टेम्परेचर, और बताइए क्या हो सकता है, डेंसिटी। डेंसिटी तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है डेंसिटी। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट। आगे हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये सभी के सभी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएंगी, ये सभी के सभी प्रॉपर्टी आपकी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं बात करूं जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये हमने जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इसका आप एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए मैं ऊपर में लिख रहा हूं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो हमने क्या लिखा हुआ, ये वॉल्यूम, तो ये आपका हो गया वॉल्यूम। और दूसरा चीज हम लोग और क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम के साथ, मास, मास भी हमारे पास, तो ये हम लोग मास लिख दिए। तो ये सब हमारे जो एग्जाम्पल्स है ये सब हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस चीज को, आपको किसी भी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है। माइंड में जस्ट एक पिक्चर रेज्यूम करिए कि किसी कंटेनर में हमने कोई फ्लूड भरा हुआ है, और उस फ्लूड को भरने के बाद उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें देखिए कि अगर मैं फ्लूड को अलग करता हूं, अब देखिए मैंने यहां पर क्या बोला है कि इसको हाफ करना है, लेकिन जरूरी नहीं है हाफ करना है, आप उसमें से एक छोटा सा पार्ट भी निकाल सकते हो। अगर आप छोटा सा पार्ट निकालोगे तो मास कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। अगर आपके पास 1 kg की बॉडी है, अगर आप उसमें 100 ग्राम अगर निकाल दोगे अलग, तो बॉडी का मास चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। तो 100 ग्राम अलग करने पर उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई है और कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, और जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी मतलब वो डिपेंड ऑन मास है तो वो आपका क्या बनने वाला है, वो आपका बनेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके कंडीशंस चल रहे हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को लेके। अब मैं आता हूं जो आपसे मैंने इस वीडियो के बीच में बात किया था कि आपको ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है जो आपकी डेंसिटी वाली चल रही है, इन द सेंस जो फॉर्मूला बेस्ड चल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए अभी क्या है कि जैसे हमारे पास डेंसिटी वाला फैक्टर है, तो डेंसिटी इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, मास बाय वॉल्यूम लिख दिया है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो मास पे डिपेंड कर रहा है, तो इस हिसाब से डेंसिटी एक्सटेंसिव बनना था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या यहां पर, ये देखिए ये आप यहां पर बात करते हैं हम लोग, ये आपको डेंसिटी है, तो डेंसिटी इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए जो आपका मास है वो मास कौन सी प्रॉपर्टी है, मास की अगर हम लोग बात करेंगे तो मास आपका कौन सा प्रॉपर्टी निकल कर आ रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वॉल्यूम भी कौन सा प्रॉपर्टी निकल कर आ रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये बताइए दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो दोनों की डिपेंडेंसी मास पे है, तो डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ये दोनों अपने मास की डिपेंडेंसी को खत्म कर देंगे और फाइनली ये जो आपका रेशियो है रो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो यहां से मुझे एक चीज और समझ में आ रहा है, क्या कंक्लूजन में फर्स्ट चीज आप लिख सकते हो क्या, कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमारे पास दो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसके अनुपात की बात करें, मतलब दोनों जो आपके प्रॉपर्टीज को आप डिवाइड कर रहे हो और दोनों प्रॉपर्टी अगर आपकी एक्सटेंसिव है तो फाइनली वो डिवाइड होने के बाद इंटेंसिव आएगी। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि आप इन सब चीजों को फॉर्मूला लगा के अप्लाई करो, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला खोजेंगे, फॉर्मूला खोजने के बाद जो फॉर्मूले के टर्म्स आएंगे वो सब में आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन मास पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको सीधा सीधा इस मेथड की तरफ मूव करना है, क्या कि जैसे जैसे आपका प्रेशर टेम्परेचर जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप सीधा सीधा एक कंटेनर पकड़िए, और कंटेनर पकड़ने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, कंटिन्यू मूव करेंगे।
ठीक है। तो ये आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इससे भी एक स्टेप और आगे पूछा जाता है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ये मैंने एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया है। नॉर्मल प्रॉपर्टीज के अलावा आपके पास और भी चीजें दिखेंगी, जैसे देखिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टर्म से रिलेटेड बात की जाती है, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है स्पेसिफिक टर्म्स को लेके, तो एक बार हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, यहां पे हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लेके। तो पहला देखिए कंक्लूजन में हमें पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड चीज एनर्जी को लेकर। अगर देखिए मैं बात करूं, सेकेंड चीज है आपका एनर्जी जो है, तो जो हमारे पास एनर्जी होता है ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में बात किया भी है कि जितने भी आपके किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ये मैंने टाइप्स ऑफ सिस्टम वाले जो मेरे वीडियोज है उस पर मैंने बात किया हुआ है। तो यहाँ पर जो मैं अगर एनर्जी की बात करता हूँ तो एनर्जी के साथ क्या होगा, ये जो आपका एनर्जी है देख रहे हैं, अब एनर्जी हमारे पास कितने टाइप की हो रही है, कई टाइप की एनर्जी है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और क्या हो सकता है हमारे पास, प्रेशर एनर्जी, और क्या हमारे साथ हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया हूँ, इसको प्रेशर एनर्जी लिख सकते हैं। और हमारे पास एनर्जी अगर देखेंगे तो नए नए थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स है कौन कौन से है, एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, और अगर हम लोग देखेंगे तो एक टर्म्स हमारे पास क्या होता है, एंथैल्पी, और अगर आप नए टर्म्स पे देखोगे तो ये आपका क्या बनेगा, एक इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारे पास कुछ एनर्जी के टाइप्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स देखिए, मान लीजिए मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ये अगर बात करूं पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, एमजीएच। उसी तरीके से ये सब भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आप ये जितने भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ये पूरे के पूरे आपके मास पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज दिख रही है ये सभी की सभी आपकी मास पे डिपेंड कर रही है। तो मास पे डिपेंड कर रहा है तो सीधा सीधा ये प्रॉपर्टीज कौन सी बन जाएगी, मास पे डिपेंड कर रहा है तो ये आपके बनेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखिएगा एक चीज, मुझे क्या समझ में आ गया यहाँ पर कि जितने भी हमारे पास एनर्जी है, जितने भी हमारे पास एनर्जी है ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास जो एनर्जी दिख रहा है हमेशा जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी की डिपेंडेंसी हमेशा मास पे होती है। तो जितने भी हमारे पास एनर्जी है पूरी की पूरी एनर्जी आपका किस पे डिपेंड हो जाएगी, मास पे डिपेंड हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं क्या बनने वाला है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनने वाला है। तो कंक्लूजन फर्स्ट मैंने क्या कहा था, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी है, जितने भी हमारे पास एनर्जी है बस वो एनर्जी का अगर नाम लेता है तो सभी की सभी एनर्जी को किस कैटेगरी में डालना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डालना है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्पेसिफिक टर्म्स को लेके। थर्मोडायनेमिक्स में जो आपका स्पेसिफिक टर्म्स वाली चीजें हैं ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसको लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ये स्पेसिफिक जो मैंने वर्ड यूज किया हुआ है। फ्रेंड्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कहीं भी अगर आपको स्पेसिफिक नाम का वर्ड दिख जाए तो स्पेसिफिक का मतलब सीधा सीधा ये करना है क्या, डिवाइड बाई मास। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको कहीं भी अगर स्पेसिफिक नाम का वर्ड दिख जाए तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, डिवाइड बाई मास। अब देखते हैं हम लोग ये जो स्पेसिफिक टर्म्स है अगर ये किसी भी प्रॉपर्टी के आगे आ जाए तो उसका खेल कैसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ वॉल्यूम को लेके। अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए आप जिस रूम पे बैठे हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ एयर है, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि उस एयर का वॉल्यूम कितना है तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो जो रूम है उस रूम के अंदर आपको कितना एयर भरा हुआ है। तो मान लीजिए कि जो एयर भरा हुआ है ये मान लो सपोज एक एग्जांपल 10 मीटर क्यूब है, ठीक है। अच्छा अगर कोई मुझसे ये पूछे कि उस रूम के अंदर जो एयर भरा हुआ है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहने का क्या मतलब है, ये आपको बोल दिया स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अगर ये मेरे से पूछता है स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा तो मैं इसको क्या बताऊंगा, यहाँ पर ये जो आपका मास है मीटर क्यूब, लेकिन इसके साथ क्या होगा, मास से डिवाइड होगा।
मतलब इसकी यूनिट क्या होगी पर केजी। कहने का क्या मतलब है, अब सुनिए। मान लीजिए कि सपोज आपके पास कोई रूम है, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि इसमें आपका जो वॉल्यूम है, इसमें जो आपकी वॉल्यूम है एयर की, वो मान लीजिए 10 मीटर क्यूब है। थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं हम लोग। ये मान लीजिए ये हमारे पास कोई रूम है, यहाँ पर जो इस रूम के अंदर एयर भरा हुआ है वो मान लो 10 मीटर क्यूब है, और कोई पूछा कि इस रूम के अंदर जो एयर है उसका मास कितना है, तो अगर मैं मास की बात करूँ तो सपोज मान लीजिए कि जो आपका मास है सपोज 2 केजी है, ठीक है, ये आपका मास है, तो टोटल 2 केजी है। तो अगर कोई मुझसे पूछे क्या कि इस रूम के अंदर जो भरा हुआ वॉल्यूम है, इस रूम के अंदर कोई मुझसे सीधा सीधा वॉल्यूम पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, 10 मीटर क्यूब। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछा इस रूम के अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए जितने भी आपके क्वांटिटी वॉल्यूम वाली है उसको हम लोग किससे शो करते हैं, इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल वी से। और कहीं भी आपको स्पेसिफिक नाम का वर्ड दिख जाए तो उसको हम लोग किससे शो करते हैं, उसको हम लोग स्मॉल वी से शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्मॉल वी का, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा 10 मीटर क्यूब और डिवाइड बाई 10 मीटर क्यूब है, और ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 2 केजी। तो अगर आप इस पे देखोगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो यहाँ पर आपको क्या बन गया, ये आपको बन गया 5 मीटर क्यूब पर केजी। अब आपको ये दोनों में फर्क दिख रहा है, वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या फर्क दिख रहा है, अगर मैं दोनों में बात करूं तो। अगर आपसे सीधा सीधा कोई भी पूछता है कि किसी कंटेनर के अंदर वॉल्यूम कितना है, तो आपको सीधा सीधा वॉल्यूम नाप के बता देना है, उस पर मास का कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, चाहे उस पर मास आधा केजी हो चाहे 4 केजी हो। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब 1 केजी। अब इसका फिजिकली मीनिंग क्या है, इस रूम के अंदर 1 केजी एयर को ऑक्यूपाई करने के लिए कितना 5 मीटर की वॉल्यूम का जरूरत पड़ रहा है। क्या बोला हूं, इस रूम के अंदर 1 केजी एयर को ऑक्यूपाई करने के लिए 5 मीटर की वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है। समझ में आया चीज, ये किसके लिए था, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए। तो अब मुझे ये बताइए कि जो मैं वॉल्यूम की बात किया हूँ वो वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये जो वॉल्यूम था ये मास पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था। देखिए वॉल्यूम मास आधा करने पर वॉल्यूम आधा हुआ था, तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं क्या था, मास पे डिपेंड किया था। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, ये आपकी बन गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूं तो ऑलरेडी ये 1 केजी को लेकर डिफाइन कर रहा है, मतलब ऑलरेडी ये मास से डिवाइड हो चुका है। तो मास से डिवाइड होने का मतलब है कि ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी बन गई, ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब एक कंक्लूजन क्या, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे अगर स्पेसिफिक नाम का वर्ड दिख गया तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिख देना है, ठीक है। एग्जांपल समझिए, ये सभी के सभी हमारे पास क्या है, ये जितने भी है ये पूरे के पूरे क्या एक्सटेंसिव है। अगर इसमें मैं सभी के सामने एक्सटेंसिव लगा दूं तो क्या होगा, एग्जाम्पल्स देखिए क्या बोल रहा हूं, मैं सभी के सामने एक्सटेंसिव लगाना चाह रहा हूं। जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारा कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिव। अगर मैं इसी को मैं लिख दूं स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रेशर एनर्जी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं उसके आगे स्पेसिफिक लगा दूं तो स्पेसिफिक प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां पे, ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन क्या, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक नाम का वर्ड ऐड हो गया तो वो प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग जो अभी हमने स्पेसिफिक नाम का वर्ड लगाया है वो किस में लगाया हुआ है, वो हमने किस में लगाया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे। अभी तक हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक नाम का वर्ड नहीं लगाया है, तो अभी हमें क्या करना है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक वर्ड लगाना है। तो एक बार हम लोग वो सिनारियो देख लेते हैं क्या, कि जब आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है उसके सामने स्पेसिफिक नाम का वर्ड लगा दिया जाए। जैसे एग्जांपल्स मान लीजिए टेम्परेचर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी उठा लेते हैं। तो मान लीजिए कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो हमारा ये कौन सा प्रॉपर्टी है,
ये हमारे पास अगर आपको याद हो इंटेंसिव है, क्यों? क्योंकि आप एक कंटेनर ले लीजिए, उसको आधा भी करेंगे तो उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उसका इनिशियल टेम्परेचर है, आधा करने के बाद भी उसका वही टेम्परेचर मेंटेन होने वाला है। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं क्या स्पेसिफिक टेम्परेचर का, अगर मान लीजिए मैं स्पेसिफिक टेम्परेचर लगा दूं तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अगर मैं टेम्परेचर के आगे स्पेसिफिक वाला टर्म्स लगा दूं तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा? यहां पर देखिए, आपने एक्सटेंसिव के आगे स्पेसिफिक लगाया था तो इंटेंसिव हो गया था, तो यहां पर अगर आप इंटेंसिव के आगे स्पेसिफिक लगा दोगे तो एक्सटेंसिव बन जाएगा, यही होगा ना? गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका टेम्परेचर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसके सामने स्पेसिफिक लगाने से कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, उससे पहले तो आप ये समझ लीजिए क्या कि किसी भी प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक लगाना क्या उसको फिजिकली सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पर फिजिकली सिग्निफिकेंस आपको दिखा था कि अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम की बात कर रहा है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहा है तो 1 kg एयर को ऑक्यूपाई करने के लिए कितना वॉल्यूम का जरूरत पड़ रहा है वो चीज बता रहा था। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, फिर से कंटेनर उठाए, इसके अंदर मान लीजिए वाटर भरा हुआ है, और ये जो हमारे पास वाटर भरा हुआ है, लेट अस कंसीडर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको हाफ करने पर भी, मतलब मास आधा करने पर भी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई थी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। अब ये बताइए, इसमें स्पेसिफिक नाम का वर्ड ऐड किए हैं, स्पेसिफिक नाम का वर्ड ऐड करने का मतलब ये है कि डिवाइड बाई आप क्या करने वाले हो, केजी। अब ये बताइए, आप ये जो केजी पर केजी की बात कर रहे हो, क्या इसको ये फिजिकली सिग्निफाई कर रहा है? मतलब अगर किसी कंटेनर के अंदर आप वाटर भरे हुए हैं और कोई मुझसे पूछे कि भैया ये वाटर का टेम्परेचर कितना है, आप क्या बोलोगे? 20 डिग्री सेल्सियस है। कोई मुझसे ये पूछेगा क्या कि उस टेम्परेचर में एक बूंद वाटर का टेम्परेचर कितना है, या मैं उससे 1 लीटर निकाल लूं, 1 kg वाटर निकाल लूं तो कितना टेम्परेचर होगा? ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज आपका क्या है, मास पर डिपेंड कर ही नहीं रही है, इसीलिए तो हम इसको इंटेंसिव की कैटेगरी में रखे हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी की जो बात कर रहा हूं, ठीक है, आप एक बोतल में पानी भरे हुए हैं, आप उसमें से अगर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो आप उसमें से आधा पानी निकालिए, चाहे पूरा पानी निकालिए, चाहे 2 बूंद पानी निकालिए, अगर एक बार आपने कह दिया कि इस बोतल के अंदर पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो चाहे आप 1 बूंद निकालेंगे तो भी 25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, और पूरा का पूरा पानी निकालेंगे तो भी 25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। मतलब ये जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसके सामने स्पेसिफिक वर्ड लगाने का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब जो स्पेसिफिक टर्म्स को लगाया जाता है वो हमेशा किसके आगे लगाया जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे लगाया जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे कभी भी आपका ये आपका स्पेसिफिक वाला टर्म्स ऐड नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, एक्सटेंसिव के आगे स्पेसिफिक लगा दो तो इंटेंसिव बन जाता है, और इंटेंसिव के सामने स्पेसिफिक लगाओगे तो एक्सटेंसिव नहीं बनेगा। क्यों? इंटेंसिव के आगे स्पेसिफिक वर्ड नहीं लगता है, उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर मेरे से कोई कंटेनर ने पूछा है कि पानी है उसका टेम्परेचर कितना है तो मैं बोलूंगा 20 डिग्री सेल्सियस, ये मैटर नहीं करता कि 1 kg है कि 2 kg है। लेकिन अगर किसी कंटेनर के अंदर अगर आपका एयर या वाटर भरा हुआ है तो 10 मीटर क्यों अगर आप बोल रहे हो, तो ये मेरे से पूछा जाएगा बिल्कुल कि उसमें कितना केजी वाटर है, अब उसके अकॉर्डिंग मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, और 1 kg पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उस चीज को बताना है, तो आप स्पेसिफिक वॉल्यूम की तरफ जाइए। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या बताएगा, 1 kg वॉल्यूम को, एयर या जो भी आपका सॉलिड या लिक्विड जो भी है, 1 kg लिक्विड को ऑक्यूपाई करने के लिए कितना आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से कहानी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर के आगे कभी भी आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे कभी भी आपको स्पेसिफिक नाम का वर्ड नहीं दिखने वाला है। तो कहानी क्या क्या हो रही है अब समझिए। पहला चीज, ये जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है हमेशा एक्सटेंसिव के आगे लगेगी, और स्पेसिफिक कहीं भी एक्सटेंसिव के आगे लगेगा तो प्रॉपर्टी को क्या बना देगा, इंटेंसिव बना देगा। तो पहला चीज थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सीधा सीधा कंक्लूजन पे आते हैं क्या, कहीं भी अगर आपको स्पेसिफिक नाम की प्रॉपर्टी दिख जाए
किसी भी प्रॉपर्टी के आगे अगर स्पेसिफिक लग जाए तो उसको ये चेक नहीं करना है कि वो इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। आंख बंद करके उसको हम लोग क्या लिख देंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके सामने स्पेसिफिक लगा हुआ है। और हम लोग इस वीडियो से समझ गए हैं कि स्पेसिफिक हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे ही लगता है, उसके पहले नहीं लगेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एक्सटेंसिव लगती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो भी होती है, उसके सामने अगर स्पेसिफिक लग जाए तो वो आपकी क्या बन जाएगी, इंटेंसिव। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें तो आपको कोई भी छेड़खानी करना ही नहीं है, क्योंकि ये आपको हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही बना रहेगा। इसमें आपको कोई भी चेंजेस की, कोई भी चेंजेस इसमें हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहां पर स्पेसिफिक वाला टर्म्स क्लियर हो गया आपको, जो मैंने स्पेसिफिक वाला बताया। तो इस पे हम लोग कुछ कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसको मैं अगर समराइज फॉर्म में देना चाहूं तो इसमें चीजें क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, हम लोग एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंक्लूजन हमको समझ में आ रहा है। पहला चीज मैंने क्या बताया कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर हम लोग इस पे बात करें तो कंक्लूजन में हम लोग फर्स्ट देख सकते हैं क्या, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल देखना चाहते हैं तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, मास बाई वॉल्यूम। इस आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, दूसरा जो कंक्लूजन आया हुआ है क्या, जितने भी हमारे पास एनर्जी होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे आपकी प्रेशर एनर्जी हो, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, जितने भी आपको एनर्जी दिख रहे हैं, ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज आपको क्या मिलने वाले हैं, ये सभी के सभी आपको मास पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपको क्या बनेगा, ये आपको मिलने वाला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास सेकंड कंक्लूजन है, जितने भी हमारे पास एनर्जी दिख रहे हैं ये सभी के सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप इसमें एग्जांपल्स लिखना चाहते हैं तो एग्जांपल्स हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, बात किया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग और लिख सकते हैं प्रेशर एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी, एंथैल्पी, ये सब एंथैल्पी एंट्रोपी हम लोग को पूरा अभी डिटेल में पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, इस तरीके की चीजें। तो ये सब हमारे पास जो है, ये सब हमारे एनर्जी के हैं, ठीक है। थर्ड चीज हमारा कंक्लूजन क्या निकल कर आया हुआ है, जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होते हैं, ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो होंगे उसको आंख बंद करके, स्पेसिफिक दिख गया है तो इसमें बुद्धि लगाना ही नहीं है, स्पेसिफिक दिख गया है तो सीधा सीधा इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे, ये आपका होता है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। इसमें अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके साथ, अगर हम लोग इस पे एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूम हमारे पास था वो एक्सटेंसिव था, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और हमें क्या मिल सकता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। उसी तरीके से ये स्पेसिफिक वाले टर्म्स हैं, तो जो भी आपसे बोला जाता है स्पेसिफिक एनर्जी लिख देता हूं। अब स्पेसिफिक एनर्जी में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे ये स्पेसिफिक एनर्जी में अगर आप बात करोगे तो ये आपका आएगा स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, और हम लोग का क्या आएगा, स्पेसिफिक प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है आपके। तो ये सब जो चीजें निकल कर आएगी, ये सब आपकी स्पेसिफिक टर्म्स पे निकल कर आएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास कंडीशन चल रहा है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक तो ये ध्यान रखिएगा डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास कंडीशन बना हुआ है, ये जो है मैंने इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन लिखा हुआ है कि ये आपके किस तरीके से चीजें वेरी करती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है, तो इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग कुछ और भी चीजें बात करने वाले हैं, वो आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लेकिन ये चीज को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो मैंने लिखा हुआ है, स्पेसिफिक अगर आ गया तो स्पेसिफिक का मतलब सीधा सीधा आपको क्या समझ में आएगा कि स्पेसिफिक मतलब सीधा सीधा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉपर्टीज है तो वहां से आपको वो चीजें चेक करनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर्टी आपकी किस टाइप के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है।
तो इस टॉपिक के अंदर अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो फाइनली देखिए कंक्लूजन के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है। पहला क्वेश्चन आपको आएगा किस तरीके से, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपके सामने जो भी ऑप्शंस दिया रहेगा ABCD, वहां से आपको चूज करना रहेगा। दूसरा जो एग्जाम में पूछने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो तीन प्रॉपर्टी दे देगा, मान लीजिए आपने चार प्रॉपर्टी आपको दे दिया यहाँ पर, और अब आपको ऑप्शन सेट करेगा क्या ऑप्शन है 1 और 2, फिर बोलेगा 2 और 3, 1 और 4, इस तरीके से ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है। इस तरीके से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेके, तो किसी भी प्रॉपर्टीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ये समझिएगा। और इसमें जो आपको नए नए टर्म्स अभी दिख रहे होंगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इसके बारे में फ्रेंड्स पूरा अंदर घुस के डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सब पूरा अलग से एक चैप्टर ही है, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, लेकिन यहाँ पर मैं अभी जितनी चीजें की बात कर रहा हूँ इस चीज को क्लियर रखिएगा। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, एग्जाम में इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, इस तरीके से। यहाँ पर क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वहां से भी कराने वाला हूँ। हर साल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, SSC JEE का आप कोई भी साल का पेपर उठा लीजिए, आपको किसी ना किसी हर साल कोई ना कोई पेपर में, अगर मान लीजिए कि 8 से 10 पेपर हो रहे हैं तो 4 से 5 पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल आप क्रिस्टल क्लियर रखिएगा इन चीजों को।